आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई, सब नॉन स्टॉप खाएंगे, इतनी रसीली कि मालपुआ भी आप भूल जाएंगे। न मावा, न चाशनी, न दूध मलाई, सिर्फ दो से तीन चीजों से रसीले सूजी गुड़ पीठा। इसको आप उड़ीसा की और बंगाल की एक कॉम्बिनेशन मिठाई भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसीला सूजी पीठा बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई या पैन और फ्लेम को कर दीजिए मीडियम। इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या ग्लास या कटोरी सेट कर लें, उसी अनुसार आप सारा मेजरमेंट करें तो आपको वजन की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस कप से मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गुड़ यानी जैगरी। आप गुड़ लें और गुड़ को कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें या फिर आप क्रश कर लीजिए तोड़ करके, तो उससे जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, आपका समय कम लगेगा। तो मैं उसी कप से 1/2 कप ग्रेटेड ले रही हूँ गुड़। अभी मौसम सर्दी का है तो गुड़ से बनी मिठाइयाँ बेहद स्वादिष्ट भी लगती हैं, हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि गुड़ में होता है ढेर सारा आयरन, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चीनी। अब आप सोच रहे होंगे चीनी की क्या जरूरत है। चीनी डालने से ये जो हम मिठाई बना रहे हैं इसका जो टेक्सचर, कलर और इसकी जो रसीलापन है बहुत बढ़िया आता है। इसे पूरी तरह से गुड़ से भी बना सकते हैं। और इस मिठाई के फ्लेवर को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए यानी और बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 पिंच नमक, ऐसे मान के चलिए सिर्फ 1/2 छोटी चम्मच। जरा सा ही नमक डालना है, ये आप बिल्कुल ना सोचें कि ये नमक डालने से मिठाई नमकीन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, और भी जो इसका फ्लेवर है वो निकल कर आएगा। इसलिए हम आइसक्रीम वगैरह में भी नमक थोड़ा सा जरूर डालते हैं। अब जैसे ये मिठाई मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, और अगर आप इतना गुड़ या चीनी नहीं लाइक करें तो आप इसे कम चीनी से भी बना सकते हैं। अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर सभी चीजों को मिक्स होने देंगे और बढ़िया सा इसमें उबाल आने देंगे। सभी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, गुड़ पूरी तरह पिघल गया है और पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब जैसे मैंने यह इलायची पाउडर डाला है, आप इसकी जगह पर दरदरी कुटी हुई सौंफ होती है ना हरी वाली, उसको भी डाल सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। मैंने फाइन वाली सूजी ली है, आप नॉर्मल सूजी भी ले सकते हैं। जिस कप से आपने बाकी सारी चीजें ली हैं उसी कप से आप सूजी लें, तो सूजी को पूरा एक साथ ना डालें, मीडियम हाई फ्लेम पर उबलते हुए पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं, बिल्कुल इस प्रकार, इससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे और सूजी बढ़िया से पानी में फूल जाएगी। उड़ीसा में बहुत ही फेमस है काकरा पिठा, आप उसका एक वर्जन समझ सकते हैं जो गुड़ से मैं बना रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही बढ़िया मिठाई है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। जिन पर भी मालपुए वगैरह बन नहीं पाते वो तो इसको आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट आपको इसमें भी आ जाएगा। और ये देखिए, बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं कि सूजी ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये डो की तरह इकट्ठी हो रही है। बस थोड़ा सा और पकाएंगे, सूजी का डो एकदम स्मूथ और इजीली इकट्ठा हो जाए। मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच घी, इससे ये सारा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बगैर घी भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखिए सूजी बिल्कुल बढ़िया से फूल गई, मिनटों में बनने वाली मिठाई। मैं सारे ही टिप्स आपको देती जाऊंगी जिससे कि आपका सूजी पीठा एक ही बार में परफेक्ट बने, कोई भी परेशानी आपको ना हो। ये देखिए हो गया ना इकट्ठा और ये पैन भी छोड़ने लगा, बस इतना ही हमको पकाना है। फ्लेम को यहाँ मैंने थोड़ा लो कर दिया है। चलिए तो अब ये बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है और पैन भी छोड़ रहा है, तो इस स्टेज पर गैस को बंद करेंगे। सारे मिक्स को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे जिससे कि हम इसको छू पाए, पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा छूने लायक। और ये लीजिए हमारा जो मिक्स है हल्का सा ठंडा हो गया है छूने लायक, बहुत ज्यादा इसे ठंडा ना करें। और अब आप लीजिए थोड़ा सा घी, 1 छोटी चम्मच घी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा घी आप इस पर डालें और हाथों को कर लें चिकना, और इस तरह से घी को मिक्स करते हुए सारे डो को एकदम मसल मसल के स्मूथ कर लेंगे। ये लीजिए मैंने बढ़िया से पूरे मिक्स को कर लिया है स्मूथ, और इस स्टेज पर इसको और भी ज्यादा फ्लेवरफुल और बढ़िया बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे आप खोपरे का बुरा भी बोलते हैं। सूखा वाला नारियल होता है ना, अगर वो घर में रखा हुआ है तो बस उसे कद्दूकस कर लीजिए, इस तरीके का आपका फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। इस पिट्ठा में नारियल जरूर पड़ता है, स्वाद भी बढ़ता है और इसको बाइंडिंग मिल जाती है। तो ये मैं डाल रही हूँ लगभग 4 बड़े चम्मच, आप 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब डाल सकते हैं। और नारियल के बुरादे के साथ हम अच्छे से एक बार और
करेंगे हाथ को चिकना करके बुरादे को मिक्स। जो उड़ीसा का काकरा पिट्ठा होता है उसको भी इस तरह से ही बनाया जाता है, या फिर उसमें अंदर स्टफिंग की जाती है नारियल के बुरादे ड्राई फ्रूट्स की। तो इसमें भी आप स्टफिंग भी कर सकते हैं और ये एक आसान तरीका है, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई बार स्टफिंग वाली चीजें खुल जाती हैं, सब पर आ नहीं पाती हैं, लेकिन ये आप इजीली बना लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूं एक अच्छी बाइंडिंग के लिए 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा। मैदा इसको प्रॉपर बाइंडिंग देगी और फिर आपके सूजी पिट्ठा बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अक्सर ये शिकायत रहती है सूजी की चीजें जब भी फ्राई करो फट जाती हैं। अब आपकी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, ये तब होता है जब आप उसे कम गर्म तेल में फ्राई करें या फिर आपने मीठे की मात्रा उसमें ज्यादा कर दी, यानी चीनी या गुड़ आपने ज्यादा डाला है, तभी ऐसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ, जिससे कि आपको ये शिकायत बिल्कुल ना आए। चाहे तो आप बगैर मैदा प्लेन भी बना सकते हैं गर्म तेल में, या फिर आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च या फिर अरारोट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से नारियल के बुरादे के साथ मिक्स को कर लिया है, एकदम डो की तरह तैयार। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पीठा। तो उसके लिए आप इसको 2 भाग में कर लीजिए डिवाइड। एक बॉल को ढककर रख देंगे। अब आप प्लेटफॉर्म पर या चकले पर डालिए थोड़ा सा ऑयल या घी और इसको कर लीजिए चिकना, जिससे कि आप इजीली पीठा बना पाए। अब आप लीजिए अपने डो की एक बॉल और बेलन को कीजिए घी से चिकना और धीरे धीरे मीडियम थिकनेस का इसको हम बेल लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस मीडियम थिकनेस का मैंने इसको बेल लिया है। अब आप लीजिए कोई भी कटोरी या कोई भी ढक्कन हो आपके पास जिससे आप गोल काट पाए, कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर ऐसा कुकी कटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए तो मैं कुकी कटर ही ले लेती हूँ। कुकी कटर पर लगाइए थोड़ा सा ऑयल इसके किनारों पर, जिससे ये चिपके नहीं काटते वक्त, और इसमें से हम गोल पीठा कट कर लेंगे। जितने एक बार में हम निकाल सकते हैं पीसेस उतने आप एक बार में निकाल लें। और साइड से हम ये सारा एक्स्ट्रा मिक्स हटा देंगे और इससे वापस बना लेंगे। और ये लीजिए मैंने सारा एक्स्ट्रा हटा लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो सभी पीसेस हम बिल्कुल इसी प्रकार पीठा के तैयार करेंगे, ये देखिए। और ये लीजिए मैंने इस तरह से सारे ही सूजी पीठा तैयार कर लिए हैं। तो बस फटाफट करते हैं इसको फ्राई। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालिए कुकिंग ऑयल और ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए हाई फ्लेम पर। जब बढ़िया से गर्म तेल हो जाएगा तब हम अपने पीठा फ्राई करेंगे। याद रखिए यहाँ बहुत ही जरूरी पॉइंट, आपको इसको लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। डालते वक्त ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप टोटल फ्राई मीडियम हाई फ्लेम पर करें। ऑयल एकदम बढ़िया गर्म हो गया है, परफेक्ट हॉट ऑयल है। धीरे धीरे करके गर्म तेल में हम अपने सूजी पीठा डालेंगे। देखिए जैसे हम डाल रहे हैं परफेक्ट एकदम बबल आने शुरू हो गए। अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसी तरह इनको पहले फ्राई होने देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारे पीठा फूल रहे हैं। और इस स्टेज पर चम्मच से हल्का हल्का ऑयल को हिलाइए, पीठा मत छुइए। परफेक्ट बने हैं ना, एकदम बेहतरीन, कितने सुंदर दिख रहे हैं। हल्का सा फ्लिप कर दे, देखिए परफेक्ट कितना सुंदर दिख रहा है। नीचे से भी इसी तरह गोल्डन हम इसको फ्राई करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम अपने पीठा निकाल लेंगे। लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो सोचिए खाने में कितने बढ़िया होंगे। और एक प्लेट पर सारे सूजी पीठा हम निकाल लेंगे, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह सभी को फ्राई करेंगे। तो चलिए हमारे सेकंड बैच के भी पीठा है बिल्कुल तैयार, सबको निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर और फूले फूले, ये देखिए मस्त एकदम। इसका टेक्सचर कलर देख के ही किसी को खाने का मन हो जाएगा, मतलब आपको इसमें मालपुए का भी और पीठा दोनों का टेस्ट आएगा। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले बहुत बहुत टेस्टी रसीले सूजी गुड़ पीठा। लग रहे ना एकदम जबरदस्त, आपको लग रहा होगा जैसे पानी पूरी है, लेकिन पानी पूरी नहीं है, जब आप खाएंगे मुंह में घुल जाएंगे। सब तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी सिके हुए, और जब आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम मालपुए जैसे सॉफ्ट, बहुत बहुत बढ़िया। एक खाएंगे तो लगातार खाते जाएंगे। एक ही सूजी पीठा में आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लेवर, जैसे मालपुए का, गुलाब जामुन का, खाकर मजा आ जाएगा। और इस तरह से बना करके आप पूरे 20 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा बनाना कितना आसान है। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ये सूजी गुड़ पीठा कैसा बना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर
देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।